सलाम पेश करते हैं। यकीनन जब तक हमारी गैरत है तब हम हैं, गैरत चली जाती है तो फिर हमारी ये जाने चली जाएं या बैठ जाएं उसे हमें कोई गरज नहीं था। इस पर मैं तमाम गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट जो कराकरम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है उनको सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद मैं अंदर के पेशरफ से आगाह करूँगा। वार्डन से मुकम्मल बहस चलने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो जो तलबात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठना चाहती है उनको वहाँ पर मौजूद जिम्मेदारों को हमने लिस्ट दी है, लिस्ट में टिक करेंगी। जो जाना चाहती है अब खुद एक विलिंगली जा रही है तो उसको नहीं रोका जाएगा। जो नहीं जाके अंदर बैठना चाहती है उनको खाना भी दिया जाएगा, नेट भी दिया जाएगा, तमाम तर सहूलियात वहाँ पर मुहैया होंगी। और हमने ये भी कहा है अगर फिर इस अब जो है पहले की तरह अगर आप लोगों को टॉर्चर करना तो दूर की बात, अगर ये कहा जाए कि आप यहाँ पर क्यों हो तो फिर दोबारा कॉल लेके पूरा इस्तेमाल लेके फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। और उम्मीद करते हैं दोबारा जब हमारी बहनों की जानिब से कोई भी मैसेज आती है तो आप इस तरह से तैयार रहेंगे। हमने कल शाम को कहा था कि मैंने किसी भी वक्त भी मैसेज आ सकता है और यकीनन एक मैसेज में आप सबका यहाँ जमा होना ये सबूत है कि अब हम फतह पा चुके हैं, हम फतह पा चुके हैं, वो लोग मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। इंशाल्लाह अब बाबर भाई ने जो भी स्ट्रेटेजी दी है उसके मुताबिक जहाँ भी जाना हो तन मन धन हम सब एक साथ होकर चले जाएंगे। बाकी हमारी बहनों का मामला अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मेहनतों के बाद रिजोल्व हुआ है, तो लिहाजा हम इस हॉस्टल की जगह को खाली करेंगे, करके जो है गोलोब चौक जाना होगा ना दहली चौक जाना होगा, जहाँ जाना होगा एक पुरान तरीके करते हैं। और हम सुबह 9 से 7 बजे से वहाँ गर्ल्स हॉस्टल के पहरेदार खड़े थे, अभी भी हम खड़े हैं। अगर वहाँ से एक लड़की को जबरदस्ती घर भेजेंगे हम इनको सबको घरों को भेज के ही दम लेंगे। इस वक्त हम सकबार पुल में पहुंच गए, आरसीसी ब्रिज में ये देखें बड़ी कसीर तादाद में हम स्टूडेंट को लेके सकबार लॉन्ग मार्च की से जो स्टूडेंट्स एक्सपेल किए गए हैं दोबारा बहाल करें। एचएससी रूल के मुताबिक सालाना 10% फीस बढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर वाइज 20 से 25% फीस बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या कैज मजबूरन ब्लॉक करना पड़ रहा है। बेशक सेमेस्टर में पहले 22,000 रुपये फीस थी, अब तकरीबन मैं 35,000 पर सेमेस्टर पे कर रहा हूँ। हाँ भाई 135% फीस बढ़ी है, इसलिए ये कैकेज को हमने बंद किया। बंद क्या है और कब तक बंद रखने का इरादा है? हमारा ख्याल है जब तक मुतालिबात हल नहीं होते मैं अपने इनके आयु के जो है कॉमरेड्स को सुरख सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को कि आप डटे रहें, इंशाल्लाह आपके साथ हैं हम और आपको साथ साथ मनाजिर दिखाते रहेंगे। यहाँ से जवानों के हौसले और जज्बे आप अपने घरों में बैठकर देख सकते हैं, एसी में बैठने वाले वो बीमार लोग भी देख सकते हैं, कम से कम उनको शर्म तो आनी चाहिए। आज फ्यूचर यहाँ रोड पे आया हुआ है। पूछना चाहता हूँ कि क्या क्योंकि जितने भी और भी स्टूडेंट अपने घरों में बैठे हुए हैं वो भी यहाँ पर अपना हिस्सा डालें, यहाँ पे आए कमबख्त लोग तो हम लोग तुम लोगों की खातिर निकले हैं, शर्म करें। हम लोग उनकी खातिर ही सबकी खातिर अपनी बहनों की खातिर हम यहाँ पे जलील खार हो रहे हैं, आने वाले तो आप सब भी यहाँ पे आए। बहुत अच्छा पैगाम
इंशाल्लाह कम से कम जो घर में बैठ के ये सोच रहे हैं कि 150 से 100 तलबा जाके रोड जाम करेंगे तो क्या होगा, आज उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इंशाल्लाह थोड़ा उनको भी गैरत का इंजेक्शन लगेगा, जब वीडियो आगे जाएगा तो उनके अंदर जब गैरत का इंजेक्शन लगेगा तो वो जो उनके अंदर जो कीड़ा जागेगा वो भी जाके वो भी इंशाल्लाह रोड पे आएंगे।